नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन और मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सर्विस हीरो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना, अगर सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो टी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए। दोस्तों 15-12 CR6 BS4 ये न्यू ट्रक चेसिस है, अभी बॉडी बन के आया है। सामने फ्रंट पोजीशन में टाटा का लोगो और 15-12 CR6 BS4 का लोगो भी दिखाई दे रहा है। अभी देखिए गेट खोला है, केबिन के अंदर में एक्सेलेटर पैडल, ब्रेक पैडल, क्लच पैडल और ड्राइवर का सुविधा के लिए देखिए फ्लेक्सिबल सीट दिया हुआ है। और दोस्तों इसमें ब्लोअर सिस्टम है, अभी देखिए ब्लोअर है, ब्लोअर को हम ऑन कर रहा, चाबी लगा हुआ, ब्लोअर ऑन कर रहा, ब्लोअर चल रहा, उसका देखिए अभी फिर से ऑफ कर दिया। दोस्तों 15-12 का मतलब है 15 टन लोड कैपेसिटी और 120 हॉर्स पावर, ये 4 सिलेंडर टर्बो इंजन। दोस्तों देखिए हैंड ब्रेक जिसको पार्किंग ब्रेक बोला जाता, और ये डिजिटल मीटर बोर्ड है, और ये गियर लीवर, इसमें 40 गियर दिया हुआ है। इसमें गियर बॉक्स से लीवर तक केबल नहीं है, इसमें रॉड सिस्टम है और गियर खूब स्मूथली इजी लेता है। और दोस्तों ये देख रहे हैं इंजन कंट्रोलर स्विच, डीपर अपर स्विच और ये वाइपर लीवर, वाइपर मोटर का। और ठीक दाहिने साइड में अपर डीपर इंडिकेटर हेडलाइट का लीवर दिया हुआ है। अभी दोस्तों ये मीटर बोर्ड, इसमें RPM मीटर, किलोमीटर सब कुछ दिया हुआ है, एयर मीटर दिया हुआ। अभी पुश चाबी ऑन कर रहा है, ये गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी गाड़ी मेरा स्टार्ट हो गया, स्मूथली स्टार्ट हुआ। अभी देखिए पूरा एक्सीलेटर दबा के हम इसका इंजन RPM 27,000 का ऊपर में ही है। अभी फिर से गाड़ी को हम एक्सीलेटर पर छोड़ दिया, इसके बाद इंजन को ऑफ कर दिया। इसके बाद ड्राइवर सीट से हम उतर जाएगा, देखिए केबिन को उठा रहा, इसमें हाइड्रोलिक जॉक दिया हुआ केबिन को उठाने के लिए, खूब स्मूथली केबिन उठेगा। देखिए ये हाइड्रोलिक पंप कर रहा जॉक में, केबिन आस्ते आस्ते धीरे धीरे उठ रहा। दोस्तों केबिन उठ जाने के बाद इसके अंदर में क्या क्या है, इंजन में फिटिंग है, वो भी दिखाई देगा। अभी देखिए बाएं साइड में आपको टर्बो चार्जर दिखाई दे रहा, ये टर्बो चार्जर है। उसके बाद देखिए फैन, फैन बेल्ट, अल्टरनेटर सब कुछ दिखाई दे रहा। दोस्तों ये 4 सिलेंडर BS4 इंजन है, टर्बो इंजन। इसमें फ्रंट पोजीशन में देखिए केबिन उल्टा दिया है, उल्टाने के बाद देखिए बाएं साइड में एयर फिल्टर, ये EGR वाल्व दिखाई दे रहा, पावर स्टीयरिंग पंप और कॉमन रेल और इंजेक्टर। दोस्तों नीचे में देखिए हाई प्रेशर पंप भी दिखाई दे रहा। अभी स्टीयरिंग है बॉक्स, ये पावर स्टीयरिंग बॉक्स और ये सिलेंडर हेड कवर, सिलेंडर हेड कवर का ऊपर में देखिए ओबीडर का पाइप भी लगा हुआ है। दोस्तों ये 4 सिलेंडर इंजन, इसमें माइलेज और तेल सर्विस भी बहुत अच्छा है, 15-12 गाड़ी है। ये देखिए गियर बॉक्स 40 गियर, इसमें व्हीकल स्पीड सेंसर लगा हुआ है, ये पॉपुलर शाफ्ट भी। उसके बाद देखिए साइलेंसर बॉक्स और APG बॉक्स। दोस्तों इसमें EGR सिस्टम है, EGR का वाल्व दिखाई दे रहा है और सेंटर बैरिंग, और पीछे में रियर एक्सेल, डिफेंसल है, तेल क्राउन और दोनों ब्रेक एक्चुएटर। दोस्तों इसमें एयर ब्रेक है और ABS सिस्टम, देखिए ऊपर में दोनों मॉडिटरी वाल्व दिया हुआ है रियर एक्सेल के लिए, और ये डीजल फिल्टर और वाटर सेपरेटर, इसको फ्यूल फिल्टर बोला जाता है। अरे दोस्तों ये एयर फिल्टर है, इसमें 2 एयर फिल्टर लगता है। दोस्तों ये 15-12 CR-X BS4 ये बाहर से देखने में जितना अच्छा है और केबिन का अंदर में भी
उतना बढ़िया बनाया। केबिन का अंदर में काफ़ी अच्छा प्लेस दिया हुआ है। और दोस्तों ये फ्रंट व्हील और फ्रंट एक्सल आपको देखा, इधर ये फ्रंट व्हील है और ठीक इसका देखिए पीछे में चैसिस में बैटरी है। दोस्तों इसमें सिंगल बैटरी लगता है 12 वोल्ट का और ये रियर व्हील है। अरे बैक साइड का देखिए बैक लाइट दिखाई दे रहा है आपको, पीछे का बैक डाला है ये। दोस्तों इसमें दो बैक लाइट और इंडिकेटर संग में दिया हुआ है। दोस्तों ये ट्रक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बॉडी गैरेज से बॉडी बन के आया है। इसमें बैटरी का तार, इशू का कबलर, ये सब खोला हुआ था बॉडी बनाने का टाइम में, इसलिए इसमें कोई फॉल्ट कोड है कि नहीं वो चेक करने के लिए आया था। इसमें लैपटॉप लगाया, इसमें जो फॉल्ट कोड था वो फॉल्ट कोड क्लियर कर दिया। उसके बाद गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइवर साहब गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी निकाल के ले जा रहा है।